अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आज हज़ारा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं नहायत ही मशकूर हूँ तमाम दोस्त अहबाब से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और मैं गुजारिश करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब से जो हमारे चैनल पर न्यू है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुस्तकबिल में भी मौसूल हों। मौजूद नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 सालों से हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आपकी रहनुमाई करते रहे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूवर सिटी के चेयरमैन जनाब साद नज़ीर के हवाले से, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैगाम उन्होंने दिया है तमाम डेवलपर्स के लिए। पहले आप वीडियो मुलायजा फरमाए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि इस मुल्क में जो कुव्वतें जो मुल्क की तरक्की में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, वो भले DHA हो या और कोई बड़ा डेवलपर हो, उसको हमारा इनविटेशन है, आए ज़मीन हम देते हैं, हमारे साथ मिलके दुबई बनाएं। मेरा ये दोनों डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इस्लामाबाद की CDA को भी ये ओपन ऑफ़र है, नदीम भाई की तरफ से, नईम साहब की तरफ से, RDA को भी ओपन ऑफ़र है। RDA भी अपनी हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, DHA भी अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है। मैं इवन हम बैरिया को भी ऑफ़र करते हैं, हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी ऑफ़र करते हैं कि आए इस पूरे एरिया को दुबई बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं। ये आपस में लड़ाइयाँ लड़ने से और एक दूसरे की टांगें खींचने से नहीं बनेगा, ये मिलकर बनेगा। और इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि यहाँ एक दुबई आबाद किया जाए। जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसकी ग्रोथ का हिसाब उसकी डेवलपमेंट से लगाया जाता है, तो अगर हम ये डेवलपमेंट करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी के सारे मसाइल यहाँ से हल। जी तो मौजूद नाज़रीन, आपने वीडियो मुलायजा फरमाया, इस वीडियो में जनाब साद नज़ीर साहब उन तमाम डेवलपर्स को ओपन एक दावत दिए कि इस रीजन को मिलकर हम एक बेहतरीन डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। एक दूसरे के टांगे खींचने के बजाय बेहतर यही है कि हम मिलकर काम करें, हम मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे। इस टकरी का जो रीजन है जहाँ पे ब्लूवर सिटी बन रहा है, इसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी बैरियर टाउन भी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करने जा रहा है, और इसी के साथ साथ जैसे कि मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी है वो भी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं मल्टी 2 के नाम से। उसके साथ साथ फैसल टाउन फेस 2 आ गया है यहाँ पे फैसल चौधरी मजीद साहब का, तो इस तरह के कई और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं, और उन सबको जनाब साद नज़ीर ने इन्वाइट किए कि आप आए हमारे साथ मिलकर यहाँ पे इस रीजन को दुबई के तर्ज का एक बहुत ही खूबसूरत रीजन बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको माजी में भी पता है कि ब्लूवर सिटी के खिलाफ कई सारी साजिशें होती रही है, ब्लूवर सिटी को हर फोरम पे कोशिश इन्होंने यही की है जो मुखालिफिन है कि ब्लूवर सिटी को किसी भी तरह फ्लॉप कर दिया जाए। अल्लाह के करम से ब्लूवर सिटी ने तरक्की की है और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हुई है इन पिछले 5 सालों में। हम एक प्राउड फील करते हैं कि हम ब्लूवर सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जो ये जनाब साद नज़ीर चेयरमैन ब्लूवर सिटी जो दावत इन्होंने दी है इन तमाम डेवलपर्स को, तो इन डेवलपर्स की तरफ से भी अगर नीयत अगर उनकी अच्छी है, अगर वो मुखलिसाना सोच रखते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, तो वो जनाब साद नज़ीर के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और किसी भी किस्म की साजिश किए बगैर वो आके इस उनके दावत पर आके उनके साथ बैठेंगे, शाना बशाना काम करेंगे इस रीजन में और अपना किरदार अदा करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो सकेगी। और हमें उम्मीद है कि इस रीजन के लिए सोच के और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से सोच के ये यकजा होंगे इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ब्लूवर सिटी को इसी तरह और मजीद तरक्की दे और जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए वो ऑन द टाइम पूरा कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लूवर सिटी से मुतालिक मजीद मालूमात, और बुकिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।